कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 9 खनिज यानी कि मिनरल्स पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 9 खनिज संसाधन मिनरल्स। देखिए यूट्यूब पर जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो सीरीज चल रहा है, इसमें जितने भी कंटेंट मैं आपको यहाँ बोर्ड पर बताता हूँ, ये सभी के सभी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक से ही लिए गए हैं। जिन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण का बुक नहीं लिया है वो परचेस कर लीजिए, और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको वीडियो पर बता रहा हूँ उस चीज़ों को समझते हुए वहाँ से आंकड़े याद कीजिए। देखिए मैं बुक परचेस करने पर आपसे जो है कोई भी जोर नहीं दे रहा हूँ, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपके लिखने के समय को बचा रहा हूँ। ठीक है, अगर जो लोग लिख करके याद करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन उनके लिए वही है, वीडियो देखिए, लिखिए, याद कीजिए, याद होना चाहिए। लेकिन समय की अगर बचत करना चाहते हैं, चीज़ों को लिखने से बचना चाहते हैं, केवल आंकड़ों पर अगर फोकस करना चाहते हैं, तो इस इकोनॉमिक सर्वे के बुक को ले लीजिएगा। और जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के बुक को लिया हुआ है वो भी ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक सर्वे के बुक में कुछ जगह हमें अपडेट भी करना है। करेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, कोई मिस्टेक को करेक्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, अपडेट करने की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है, ये फरवरी 2023 में पब्लिश हुआ था। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ये सभी डिपार्टमेंट का, जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो डाटा दिए जाते हैं उसका एक कंपाइलेशन होता है। ठीक है, उसे इकोनॉमिक सर्वे में उसके आंकड़े दर्शाए जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद भी, यानी कि फरवरी 2023 में इकोनॉमिक सर्वे आया, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर एक विभाग का, जैसे कि कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, खनिज विभाग, इनके अलग अलग आपके अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन जारी होते हैं, जिसमें कुछ नए आंकड़े देखने के लिए मिलते हैं। उन आंकड़े को अपडेट करना है, यानी कि इसके साथ ऐड करते हुए चलना है, जिसे भी आपको लेक्चर के दौरान मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपका बुक लिया भी हुआ है वो भी वीडियो को देखिएगा, और जहां पर आपको जो चीजें ऐड करने के लिए बोल रहा हूं उसे ऐड करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का GSDP में भागीदारी 2022-23 स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत क्या होता है, प्रचलित कीमत क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अध्याय 3 राजकीय आय और अध्याय 5 लोक वित्त वाले टॉपिक में स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर उसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा। GSDP छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। GSDP में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी रही। अगर हम छत्तीसगढ़ के GSDP की बात करें तो वो था आपका 289080 करोड़। ये स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का GSDP है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये छत्तीसगढ़ का कुल GSDP है। तो ये 2,79,080 करोड़ रुपए में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी 29,307 करोड़ रुपए की है। छत्तीसगढ़ के GDP का आकार कितना है, 2,79,080 करोड़ रुपए। तो इस 2,79,080 करोड़ रुपए में से 29,307 करोड़ रुपए खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, यानी कि अभी हम कौन सा आंकड़ा पढ़ रहे हैं, 2022-23 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, यानी कि 2021-22 की तुलना में इस खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में 10.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में
10.74% का इंक्रीमेंट वृद्धि दर्ज की गई है। अगर प्रतिशत भागीदारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो कुल GSDP है 2,79,080 करोड़ रुपए, उसमें इस खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी 10.75% है, 10.75% है। देखिए आंकड़े एकदम नियरेस्ट है, प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो 10.74, प्रतिशत भागीदारी बोलेगा तो आपका 10.75%, ठीक। और ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र वाले टॉपिक से प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत भागीदारी, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो भी लास्ट एग्जाम हुआ था आपका सहायक संचालक कृषि, उसमें इकोनॉमिक सर्वे से बहुत से क्वेश्चन देखने के लिए मिले, स्पेशली ये आपके प्रतिशत भागीदारी, प्रतिशत वृद्धि, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र, फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके जो है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत भागीदारी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े याद रखना, प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो 10.74%, प्रतिशत भागीदारी बोलेगा तो 10.75% भागीदारी रही खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की। अब कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय 12,305.38 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय 5,517.01 करोड़ रुपए रहा। अब आप बोलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, लेकिन इसमें आंकड़ा दिया गया है 21-22 का, ठीक है। देखिए 22-23 हम आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 21-22 का आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज का उत्खनन होता है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टीन, ये सभी खनिज का उत्खनन होता है। तो इन खनिजों को बेच करके सरकार को जो इनकम होती है उसकी बात की जा रही है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय रहा 12,305.38 करोड़ रुपए, जबकि उसके पिछले वर्ष यानी कि 2021 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय था 5,517.01 करोड़ रुपए। कितना डिफरेंस है, देख रहे, ठीक। अब यहां पर आपको एक अपडेट करना है, मई 2023 को खनिज संसाधन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी हुआ, जिसमें 2022-23 के आंकड़े जारी हुए हैं, ठीक है। मई महीने में आया था इकोनॉमिक सर्वे, कब आया था, फरवरी में, मई महीने में इसका प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 12,941 करोड़ रुपए है। कितना, 12,941 करोड़ रुपए। ये सभी आंकड़े याद करने हैं, 21-22 के, 22-23 के और 2021 के, ये सभी आंकड़े याद करने हैं। ऐसे नहीं कि करंट में जो डाटा चल रहा है केवल उसी को याद करोगे। देखिए खनिज वाले टॉपिक से यानी कि खनन तथा उत्खनन क्षेत्र वाले के जो आंकड़े हैं इसके पिछले 3-4 साल के भी डाटा पूछता है। किस प्रकार से पूछा गया आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, 21-22 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना था, 12,305.38 करोड़ रुपए, 2021 में कितना था, 5,517.01 करोड़ रुपए, और 22-23 में कितना है, 12,941 करोड़ रुपए, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 17.34% है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, देश के कुल खनिज मूल्य का, हमारे भारत देश में प्रमुख
खनिज भंडारित राज्य कौन कौन से है? झारखंड है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी खनिज भंडारित राज्य है। इन सभी राज्यों से खनिज का उत्खनन किया जाता है और कितने मूल्य के खनिज का उत्खनन किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला जा रहा है कि देश के कुल खनिज मूल्य का, यानी कि पूरे देश से भारत को जितने खनिज मूल्य की प्राप्ति होती है उसका 17.34% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर अलग अलग राज्यों से उत्पादित खनिजों का जो मूल्य है उसका 17.34% कीमत का जो खनिज है ये छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है भारत को। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 17.34% है। इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। यहां पर वर्ड यूज हो रहा है खनिजों के दोहन से। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है कोयले का उत्खनन करती है, कोयले को बेचती है, तो सरकार को क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने जो खनिज भंडारित क्षेत्र है उसे भारत सरकार को पट्टे पर लीज पर देती है, जिसके बदले में भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को क्या देता है? रॉयल्टी। आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क का उत्खनन कौन करता है? NMDC, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि केंद्र सरकार के अधिकृत कंपनी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क का उत्खनन करता है और उस लौह अयस्क को वो भेजता है जापान, जापान एक्सपोर्ट करता है। छत्तीसगढ़ की जमीन से निकलने वाला लोहा कहां जा रहा है? जापान। उत्खनन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार की कंपनी NMDC। तो इस उत्खनन के एवज में भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को क्या देती है? रॉयल्टी देती है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं किराया, रॉयल्टी प्रदान करती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका जैसे ताप विद्युत गृह है, ताप विद्युत गृह में कच्चा माल के रूप में क्या उपयोग में लाया जाता है? कोयला। ठीक है, कोयला खनिज है, सरकार कोयले को बेच रही है, जमीन को कोयला भंडारित क्षेत्र को लीज पे दे रही है, लौह भंडारित क्षेत्र को लीज पे यानी कि पट्टे पर दे रही है, रॉयल्टी वसूल कर रही है, उससे इनकम हो रहा है। कोयले को जला करके बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, उससे सरकार को इनकम जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या था? खनिजों से प्राप्त राजस्व है, यानी कि खनिज का उत्खनन करके सरकार ने बेचा तो इतनी इनकम हुई। लेकिन खनिजों के दोहन से, खनिजों के दोहन से, खनिजों का उपयोग करके भी, खनिजों को बेचकर और खनिजों का उपयोग कर, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है 27% राजस्व। ये आंकड़ा पिछले 3-4 साल से एज इट इज बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं होता और इससे क्वेश्चन आता है। जहां पर आप ये दोहन वर्ड सुने ना वहां पर सीधे 27% लगा देना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा 97% और गौण खनिज का हिस्सा 3% है। ठीक है, मुख्य खनिज का हिस्सा 97% और गौण खनिज का हिस्सा 3% है। अब ये मुख्य खनिज क्या होता है, गौण खनिज क्या होता है, आपको आगे बताऊंगा। अभी एक डेफिनेशन देकर के बताता हूं, उस डेफिनेशन को थोड़ा समझना। मुख्य खनिज और गौण खनिज होते क्या है? मुख्य खनिज ऐसे खनिज जिसके उत्खनन से सरकार को सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है तथा उस खनिज का भंडारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, ऐसे खनिजों को मुख्य खनिज कहा जाता है। ठीक, ध्यान समझना, ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, उसका उत्पादन भी सर्वाधिक हो रहा है और उसे बेचकर सरकार को सर्वाधिक राजस्व इनकम की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे खनिजों को मुख्य खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। गौण खनिज ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में सीमित है, उत्पादन भी सीमित मात्रा में हो रहा है तथा उसे बेच करके सरकार को बहुत कम पैसे की, बहुत कम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ऐसे खनिज को गौण खनिज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश का पन्ना जानते होंगे, MP का हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे पृथक होकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, पन्ना जहां पर हीरे की खदान है, डायमंड हीरे की खदान है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का मुख्य खनिज है, वहां का वो क्या है? मुख्य खनिज है। दूसरा एग्जाम्पल कर्नाटक, कर्नाटक में है कोलार, कोलार एक गोल्ड माइंस है, वहां पर, वहां से जो है सोने का उत्खनन किया जाता है, उस पर एक मूवी भी आई थी आपका KGF करके।
तो वहां पर जो आपका जो कोलार गोल्ड माइन है वहां से सोना निकाला जाता है। तो सोना जो है कर्नाटक का मुख्य खनिज है। उसके विपरीत अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत कम स्थान से आपका प्राप्त होता है डायमंड, यानी कि आपका हीरा, ठीक है, आपका पायली खंड हो गया, और इधर आपके बस्तर के कुछ क्षेत्र से हीरा प्राप्त होता है। उसके साथ साथ सोना भी देखेंगे तो सोना जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ नदियों के रेत में एकदम बारीक महीन कण के रूप में मिलते हैं। कांकेर का तुमड़ी सुर जो कि अभी अभी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, कांकेर जिले का एक तुमड़ी सुर नामक स्थान है जहां पर कोयला भंडारित क्षेत्र है, सोना खान जहां पर कोयला भंडारित क्षेत्र है, लेकिन उतना भंडारण नहीं है जितना कि कर्नाटक के कोलार गोल्ड माइन में है। तो सोना और हीरा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्या है? गौड़ खनिज, क्योंकि इनका भंडारण सीमित है, इनका उत्पादन भी सीमित मात्रा में हो रहा है और इससे सरकार को बहुत कम राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसके विपरीत अगर देखेंगे हीरा डायमंड हमारे छत्तीसगढ़ का गौड़ खनिज है, जबकि मध्य प्रदेश का मुख्य खनिज क्या है? हीरा। सोना गोल्ड हमारे छत्तीसगढ़ का गौड़ खनिज है, इसके विपरीत कर्नाटक का मुख्य खनिज क्या है? सोना। तो ऐसा नहीं कि जो हमारे राज्य का मुख्य खनिज है वो किसी दूसरे राज्य का भी मुख्य खनिज हो। ये उत्पादन यानी कि भंडारण, उत्पादन और उससे उस राज्य को होने वाली आय के ऊपर निर्भर करता है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, लौह अयस्क, टीन, ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज है जिनका भंडारण सर्वाधिक है, उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है और इसे बेचकर सरकार को सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है। ये आपका छत्तीसगढ़ जीएस का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मुख्य खनिज क्या है, गौड़ खनिज क्या है, ठीक। तो देखिए हमारे प्रदेश में जो है, जो हमारे प्रदेश के जो मुख्य खनिज है, आगे क्लासिफाइड करके बताऊंगा कि हमारे प्रदेश में कौन कौन से मुख्य खनिज है, कौन कौन से गौड़ खनिज की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य खनिज से सरकार को 97%, जबकि गौड़ खनिज से मात्र 3% जो है ये राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। कुल राजस्व आय का छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व आय का 97% मुख्य खनिजों से, जबकि 3% गौड़ खनिजों से प्राप्त होता है। वर्ष 2022-23 में विभिन्न खनिजों के कुल 53 ब्लॉक्स का आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया गया। एक इस लाइन को याद रख लेना, ठीक है, यानी कि जो सरकार जो है प्राइवेट कंपनी को खनिजों के उत्खनन करने का टेंडर देती है, ई ऑक्शन निकालती है। तो इसे इस तरीके से याद रखना कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 53 ब्लॉक्स का, अलग अलग खनिज भंडारित ब्लॉक्स जो है उनके ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास जिसकी ये जो अधिसूचित हुआ था 22 दिसंबर 2015 को, यानी कि राजपत्र पे प्रकाशित हुआ था। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास ये क्या है? खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति तथा क्षेत्र के विकास हेतु जिला खनिज निधि यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की व्यवस्था की गई, जो कि खनिज रॉयल्टी का 10-30% होता है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इसको ध्यान समझना। खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में किसी खनिज के भंडारण होने का प्रमाण मिला। अभी आपका कोरबा जिला काफ़ी हाईलाइट में है, कोरबा जिले के कटघोरा में रामपुर नामक एक जलाशय है जहाँ पर लिथियम के भंडारण होने के प्रमाण मिले हैं। अभी तो प्रमाण मिल गया, अब मान लीजिए सरकार वहाँ पर उत्खनन करना चाहती है तो उस भंडारित क्षेत्र के, लिथियम भंडारित क्षेत्र में बसे हुए जो गाँव है उन्हें वहाँ से हटाना पड़ेगा, उस जगह से उन्हें दूसरे जगह उन्हें प्रतिस्थापित यानी कि उन्हें स्थानांतरित करना पड़ेगा, दूसरे जगह उन्हें बसाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। तो इनके विकास के लिए एक स्थान से दूसरे जगह इन्हें ट्रांसफर करना, वहां पर उसके उनके लिए चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना, उनके उन्हें जो है स्कूल के लिए भवन निर्माण करके देना, ये सभी के सभी जो होता है ये आपके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी कि जिला खनिज निधि के माध्यम से होता है। सरकार खनिज का उत्खनन करके पैसा तो कमा रही है, लेकिन इस खनिज के उत्खनन से जो सरकार को इनकम हो रही है इसके विपरीत जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके ऊपर सरकार जो है खर्च करेगी इस फंड के माध्यम से। अब जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर आपका खनन का कार्य हो रहा है, खनन का कार्य हो रहा है तो उससे क्या होगा? धूल उड़ेगा, धूल उड़ेगा तो आपका वातावरण जो है प्रदूषित होगा, हैवी मशीनरीज चलेंगे जिससे वातावरण प्रदूषित होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना की गई। खनन संक्रियाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या क्षेत्र के विकास के लिए जिला खनिज निधि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की गई, जो कि खनिज रॉयल्टी का 10-30% होता है,
ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, 33, लेकिन अभी तक जो आंकड़े जो है आपकी इकोनॉमिक सर्वे में वो 28 ही दर्शाए जा रहे हैं। तो आपके छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका गठन कब हुआ पूछा जाए तो 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन हुआ। एक है NMDC, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि केंद्र सरकार के अधिग्रहित कंपनी है। यह है CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिग्रहित कंपनी है। इसका गठन हुआ था 7 जून 2001 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खनिज भवन को जाना जाता है सोना खान के नाम से। हमारे छत्तीसगढ़ में एक स्थान है सोना खान, ठीक है, सोना खान का जमींदारी क्षेत्र, जहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह का विद्रोह हुआ था 1857 के दौरान। तो ये इस खनिज भवन को सोना खान नाम दिया गया है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री कौन है पूछा जाए तो वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित टोटल 13 मंत्रियों का कैबिनेट है। 13 मंत्रियों को अलग अलग विभागों का बंटवारा किया गया। किसी को कृषि विभाग प्राप्त है, किसी को स्वास्थ्य विभाग प्राप्त है, किसी को शिक्षा विभाग प्राप्त है, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो है विभागों का बंटवारा हुआ है। तो खनिज विभाग किस मंत्री के पास है पूछा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास है खनिज मंत्रालय, ठीक। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो वो है श्री गिरीश देवांगन, ठीक है, कौन है, श्री गिरीश देवांगन। खनन खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति, खनन या खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य में, यहां पर ध्यान देना, ये अपडेट हुआ है, ये है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। इकोनॉमिक सर्वे के बुक के हिसाब से थर्ड होता, लेकिन जो मैंने बताया आपको मई 2023 में जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है उसके आधार पर अब ये रैंकिंग अपडेट हो चुका है। अब ये रैंकिंग क्या है, ये है सेकेंड। छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में दूसरा है, ठीक है। अगर सर्वाधिक बात किया जाए 21-22 में तो सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई थी लौह अयस्क से, और सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था किस जिले से, दंतेवाड़ा से। पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर कोयला और जिले में कोरबा आ रहा था, लेकिन 2021-22 में कोयले के स्थान पर हो गया है लौह अयस्क। यानी कि छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज कौन कौन से, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, लौह अयस्क हो गया, टीन हो गया, ये मुख्य खनिज है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राजस्व, इन मुख्य खनिजों में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त हुआ, पिछले 3-4 सालों से जो है कोयला का नाम आता था, लेकिन इस बार आ गया है लौह अयस्क। और किस जिले से लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहां से होता है, दंतेवाड़ा जिले से। तो सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है पूछा जाए तो ये प्राप्त होता है आपके दंतेवाड़ा जिले से। इसे अपडेट करना, ठीक है, सेकंड स्थान पर है, ठीक। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में ये टेबल आपको दिया गया है। ये टेबल कब का है, ये टेबल है 2021 का, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी 2021। अगर आप देखेंगे 2021 के रैंकिंग में पहले स्थान पर था उड़ीसा, दूसरे स्थान पर था राजस्थान, और तीसरे स्थान पर था हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी में। ये रैंकिंग थी टॉप 3, इसलिए मैंने पहले आपको तीसरा स्थान बताया और उसे दूसरे में अपडेट करने के लिए बोला। क्यों, क्योंकि मई 2023 में जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आया उसमें 2021-22 के ये डाटा आ चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान सुधर करके हो गया है दूसरा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है, हमारा एक करंट अफेयर का बुक आया था, बहुतों ने ले लिया है, बहुत लोगों ने नहीं लिया है, और ये मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इस बुक में मैंने अलग से इस प्रशासनिक प्रतिवेदन के 3-4 पेज अटैच किए थे, और खनिज में ये वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बुक को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बुक मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है।
ठीक है। इस बुक में मैंने मेंशन भी किया था, इसे मैंने लास्ट पेज में इसके डाटा अटैच किए हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ये 2021 वाले डाटा को अभी अब याद मत कीजिएगा, चूंकि नया डाटा आ चुका है। लेकिन हाँ, याद रखना कि 2020-21 में छत्तीसगढ़ का खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी वाली जो रैंकिंग है, 2021 में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था, जबकि 21-22 में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। इस चीज को याद रखना। अब आपसे कौन से वर्ष का पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2021 में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पूछ रहा है तो थर्ड, 21-22 में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पूछ रहा है तो क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, अपडेटेड आपको डाटा बता रहा हूं, इस डाटा को पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो डाटा अपडेट होकर के आया है उसे आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे लास्ट पेज में है, देखिए, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 प्रकाशित मई 2023। इसमें जो है 2021-22 के आंकड़े आए, इकोनॉमिक सर्वे में 2021 के आंकड़े हैं, जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है उसमें 21-22 के आंकड़े दिए गए हैं। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी 2021-22, मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल बताया जा रहा है, जो राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी प्रतिशत कोयला, प्राकृतिक गैस, गौड़ खनिज को छोड़कर, ये जो रैंकिंग है ना, इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और गौड़ खनिजों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जितने बाकी खनिज हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो इस रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ सेकेंड पोजिशन पर है। देखिए, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा से लगभग 58,550 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का उत्खनन किया गया है, उत्पादन किया गया है। छत्तीसगढ़ से 23,023.22 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का उत्पादन किया गया है। थर्ड नंबर पर है राजस्थान, 2020-21 में राजस्थान सेकंड पोजीशन पर था और छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पर था। तो यहाँ सेकंड पे आ गया छत्तीसगढ़ और थर्ड पर आ गया राजस्थान। राजस्थान से 18,723 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का उत्पादन किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित खनिजों के मूल्य का 44.11% मूल्य के खनिज का उत्पादन उड़ीसा से हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित खनिज मूल्य का 17.73% हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। और थर्ड नंबर पर है राजस्थान, फोर्थ में कर्नाटक, फिफ्थ में झारखंड, सिक्स्थ में मध्य प्रदेश और सेवन नंबर पर है बाकी बचे हुए और राज्य। अगर इसे आप पाई चार्ट से देखेंगे तो ये आपका पाई चार्ट है। ठीक है, ये पाई चार्ट है जिसमें अगर आप देखेंगे उड़ीसा से 58,550.50 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ है, जो कि देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 44.11% है। छत्तीसगढ़ में 23,023.22 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ है, जो कि देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 17.34% है। और ये अपडेटेड वाले को आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे कौन से वर्ष की बात हो रही है, 2021-22 की बात हो रही है। 21-22 में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, सेकेंड है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जो है आपके थर्ड नंबर पर राजस्थान, फोर्थ में कर्नाटक, फिफ्थ में झारखंड, सिक्स्थ में मध्य प्रदेश और सेवन नंबर पर है अन्य राज्य। फर्स्ट थ्री की रैंकिंग याद रखिएगा, फर्स्ट में झारखंड, सेकंड में छत्तीसगढ़ और थर्ड में है आपका राजस्थान। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस आते हैं, इसके आगे और भी कुछ अपडेशन है उसे हम देखेंगे, लेकिन फिर से जो हमारा पिछला आंकड़ा छूटा हुआ है उसे देखिए। देखिए ये चीज मैंने आपको अपडेट करके बताया है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में उड़ीसा, सेकंड में राजस्थान और थर्ड में छत्तीसगढ़ है। जो नया आपको पाई चार्ट बताया है उसे उसके उससे जो है इसे याद कीजिएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन जो मैंने आपको बताया, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज मुख्य खनिज के श्रेणी में आते हैं और कौन से खनिज गौड़ खनिज के श्रेणी में आते हैं। मुख्य खनिज, ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, उत्पादन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है और इससे सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है,
इसमें सर्वाधिक वर्ड यूज ना करके बहुतायत वर्ड यूज कीजिएगा। ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में बहुतायत है, उसका उत्पादन बहुतायत में होता है और इससे छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, ऐसे खनिजों को मुख्य खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। गौण खनिज, ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, उत्पादन बहुत कम होता है और इससे सरकार को बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इन्हें गौण खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य खनिज कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ के? कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन। एक साल का प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और एक दिया था डोलोमाइट। देखिए, डोलोमाइट जो है ये गौण खनिज के अंतर्गत आता है। मुख्य खनिज केवल पांच है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन, जबकि डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट जो है ये गौण खनिज है। इसका भंडारण सीमित है, उत्पादन सीमित मात्रा में होता है और कम राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज पांच, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन। ठीक है, जबकि गौण खनिज में है डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, फायर क्ले, कोरंडम, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, वाइट क्ले, पत्थर, फर्सी पत्थर, मुरुम, मिट्टी, रेत, ये सभी सभी क्या है? गौण खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन एवं भंडार, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018, इसमें भी अपडेशन आया है। ये आंकड़ा है 2018 का, अपडेट होकर के 2020 के आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है, इस आंकड़े को इकोनॉमिक सर्वे के बुक में अपडेट कर लीजिएगा या जिन्होंने करंट अफेयर का बुक लिया था उसे यहां से पढ़िएगा। ठीक है, 2018 के आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के बुक में दिए गए हैं, आपको 2020 इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के आंकड़े आ चुके हैं। ठीक, देखिए ये है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार खनिज भंडारण। अगर कोयले की बात किया जाए, देखिए यहां पर खनिजों के नाम है, भंडारण मिलियन टन में, भारत में कितना भंडारण है, छत्तीसगढ़ में कितना भंडारण है, भारत में छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या है उस खनिज के भंडारण के मामले में। कोयले की बात किया जाए तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार पूरे भारत में जो कोयले का भंडारण है वो है आपका 34,40,21 मिलियन टन, 344,21 मिलियन टन। ये क्या है? ये कोयले का भंडारण है भारत में, जबकि छत्तीसगढ़ में भंडारण है आपका 69,432 मिलियन टन, जो कि भारत में भंडारित कुल कोयले का 20.18% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। भारत में कुल इतना भंडारित है, छत्तीसगढ़ में कुल इतना भंडारित है, तो भारत में भंडारित कुल कोयले का 20.18% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक, लौह अयस्क, लौह अयस्क का भारत में भंडारण है 22,487 मिलियन टन, जबकि छत्तीसगढ़ में इसका भंडारण है 4,858 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल लौह अयस्क का 21.60% लौह अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। चूना पत्थर का भंडारण है पूरे भारत भर में 2,03,225 मिलियन टन, हमारे छत्तीसगढ़ में है, भारत में है 2,03,225 मिलियन टन, हमारे छत्तीसगढ़ में 10,805 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल चूना पत्थर का 5.31% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। डोलोमाइट की बात किया जाए तो डोलोमाइट का पूरा भारत में भंडारण है 8,415 मिलियन टन, हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है 918 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल डोलोमाइट का 11% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट का भंडारण है पूरे भारत में 3,897 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ में भंडारण है इसका 174 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल बॉक्साइट का 4.46% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। टीन अयस्क की बात किया जाए तो टीन अयस्क का भंडारण है 83.72 मिलियन टन पूरे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में है 29.80 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल टीन अयस्क का छत्तीसगढ़ में 35.60% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। अगर हीरे की बात की जाए तो हीरे का है मिलियन कैरेट,
पूरे भारत में हीरे का भंडारण है 31.84 मिलियन कैरेट, छत्तीसगढ़ में भंडारण है 1.3 मिलियन कैरेट। पूरे भारत में भंडारित हीरे का 4.10% हीरा हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। स्वर्ण यानी कि गोल्ड, सोना, सोना का आंकड़ा है आपके टन में, पूरे भारत में सोने का भंडारण, अनुमानित भंडारण है 655 टन, जिसमें से 5.5 टन हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। भारत में भंडारित कुल सोने का 0.84% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, देखिए जो बचे हुए आंकड़े हैं उसे फिर से देखिए, देखिए आगे पीछे करके बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ जो अपडेशन आए हैं आप उसे समझिए। 2018 के आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, अभी जो मैंने आपको आंकड़े बताए ये कौन से आंकड़े थे, इंडियन मिनरल्स बुक 2020 के आंकड़े थे। ठीक है, तो उसे आप अपडेट कीजिएगा। देखिए, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वितरण स्थिर कीमत 2011-12 के हिसाब से, देखिए पिछले 6 साल के, विगत 6 वर्षों के खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, कितने प्रतिशत की भागीदारी रही, ये दर्शाया गया है। और ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, इससे एग्जाम में प्रश्न आया है। ठीक है, 2017-18 में प्रतिशत वृद्धि थी 6.81, 18-19 में 7.96, 19-20 में ऋणात्मक था -2.18। ठीक है, उसके बाद 20-21 में था 2.83, 21-22 में 3.70 और 22-23 में 10.74% की वृद्धि रही। प्रतिशत भागीदारी की बात किया जाए तो 17-18 में था 11.74, 18-19 में 11.38, 19-20 में 10.55, 20-21 में आपका 10.91, 21-22 में 10.48 और आपका 22-23 में 10.75% की भागीदारी रही GDP में। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वित्तीय वर्ष में, विगत 6 वर्षों में या 2017-18 से लेकर 2022-23 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ के GDP में सर्वाधिक भागीदारी किस वर्ष रही खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की। अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक भागीदारी किस वर्ष थी आपके 2017-18 में 11.74%, और विगत 6 वर्षों में सबसे कम भागीदारी किस वर्ष रही वो देखेंगे तो ये है आपका 10.48%। वैसे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पिछले 6 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, ये हुई है 2022-23 में 10.74%, और सबसे कम वृद्धि कब हुई 2019-20 में जो कि थी ऋणात्मक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज जिनका उत्पादन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से, कोयले का उत्पादन, कोयले का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में, कोयले का उत्पादन यानी कि यहाँ पे खनिज है, यहाँ पे उत्पादन 1000 टन में, कोयले का उत्पादन रहा आपका 154,120 टन, लौह अयस्क का उत्पादन रहा आपका 41,313 टन, चूने पत्थर का उत्पादन रहा 41,888 टन, बॉक्साइट का उत्पादन रहा आपका 968,000 टन, जबकि टीन का उत्पादन किलोग्राम में रहा 26,383 किलोग्राम। ठीक है, खनिज उत्पादन में भागीदारी, खनिज उत्पादन में भागीदारी, देखिए ये आंकड़े देश में जो उत्पादित खनिज है उसमें छत्तीसगढ़ में उत्पादित, देखिए खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान, पूरे भारत भर में जो कोयले का आपका उत्पादन हुआ उसके कंपैरिजन में हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादित कोयले की भागीदारी कितनी है, कोयले की भागीदारी ये रहा 19.80% 2021-22 के लिए, यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित कुल कोयले का 19.80% कोयले का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। जो हमने इंडियन मिनरल्स बुक के जो डाटा पढ़े 2020 वाले, वो भंडारण का है, ये क्या है, ये उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन भागीदारी की बात हो रही है। भंडारण यानी कि डिपोजिशन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन,
ठीक है, लौह अयस्क अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित कुल लौह अयस्क का 16.27% लौह अयस्क का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। चूना पत्थर अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित कुल चूना पत्थर का 10.67% चूना पत्थर का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। बॉक्साइट अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित कुल बॉक्साइट का 4.30% उत्पादन बॉक्साइट का हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। टीन अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादित कुल टीन का 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। भारत के और भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर टीन का भंडारण है, लेकिन टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। और भी राज्यों में टीन का भंडारण है लेकिन वो राज्य टीन का उत्पादन नहीं करते। पूरे भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़, इसलिए यह है आपका 100%। ठीक, देखिए खनिज राजस्व में अग्रणी जिले, जैसे कि यहां पर मुख्य खनिजों के नाम दिए गए हैं और उस खनिज से किस जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला, कोयले का जो खनिज है ये खनिज का भंडारण आपके पूरा का पूरा गोंडवाना शैल समूह में है, जैसे कि आपका बिलासपुर में भंडारण है, कोरबा में भंडारण है, रायगढ़ में भंडारण है, ठीक है, ऊपर तरफ आपका मनेंद्रगढ़, कोरिया, ये सब क्षेत्र में आपके कोयले का भंडारण है। लेकिन इस कोयले से सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका कोरबा। भंडारण तो बहुत सारे जिलों में है लेकिन कोयले से सर्वाधिक इनकम कौन देता है वो है आपका कोरबा जिला। लौह अयस्क, लौह अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों में है लेकिन इस लौह अयस्क से सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है दंतेवाड़ा। चूना पत्थर, चूना पत्थर का भंडारण पूरा का पूरा आपके छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में है, कड़प्पा शैल समूह, लेकिन इससे सर्वाधिक आपका राजस्व देता है बलौदा बाजार, जिसे सीमेंट हब कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। सीमेंट हब, सीमेंट में कच्चा माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है आपका चूना पत्थर। ठीक, बॉक्साइट से जो सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बलरामपुर जिले से। टीन से सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है दंतेवाड़ा जिले से। और मुख्य प्लस गौड़ खनिज, अगर दोनों का कंपेयर किया जाए, ठीक है, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज दोनों को, कुल खनिज की अगर बात किया जा रहा है तो उसमें सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है दंतेवाड़ा से। मुख्य खनिज यानी कि चूना पत्थर, लौह अयस्क, आपका कोयला, बॉक्साइट, टीन और गौड़ खनिज, क्वार्ट्जाइट, कोरंडम, ये सबको मिलाकर के अगर बात किया जाए तो ओवरऑल सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है आपके दंतेवाड़ा से। ठीक है, शुरू के ही पेज में मैंने आपको बताया था। ठीक, देखिए मुख्य खनिज व गौड़ खनिज से राजस्व आय 2021-22, जैसे कि मैंने बताया मुख्य खनिज से 97% और गौड़ खनिज से मात्र 3%। मुख्य खनिज ये कोयला, चूना, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, ये मुख्य खनिज है। इन मुख्य खनिज का भंडारण बहुतायत में है, उत्पादन बहुतायत में होता है और इसे बेच करके सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व का 97% मुख्य खनिज से प्राप्त होता है, मात्र 3% जो है ये गौड़ खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्य खनिजवार राजस्व के आधार पर क्रम 2021-22 मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक, अब देखिए यहां पर कुछ राजस्व के आधार पर, मुख्य खनिज राजस्व के आधार पर क्रम बताया गया है 2021-22 में, मैक्सिमम टू मिनिमम, ये जो मूल्य है ये राशि करोड़ रुपए में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ करके रख लीजिएगा। लौह अयस्क से इतने कीमत प्राप्त हुए हैं, कोयला से इतना कीमत, चूना पत्थर से इतना कीमत, बॉक्साइट से इतना और टीन से इतना, यानी कि 2021-22 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ लौह अयस्क से, उसके बाद कोयला, उसके बाद चूना पत्थर, उससे कम प्राप्त हुआ बॉक्साइट और सबसे कम प्राप्त हुआ है आपके टीन से। ठीक है, प्रमुख खनिजों का रॉयल्टी दर, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमारे छत्तीसगढ़ का जमीन है बेलाडीला, जिसमें उत्खनन कर रहा है NMDC जो कि केंद्र सरकार की अधिकृत कंपनी है और इस लोहे को बेचा जा रहा है कहाँ, जापान में। छत्तीसगढ़ के जमीन में केंद्र सरकार की कंपनी आकर के उत्खनन करके यहाँ का लोहा बेच रही है जापान को, तो इसके एवज में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को रॉयल्टी देती है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के जमीन में उत्खनन करने और यहाँ के खनिज संसाधन का उपभोग करने के एवज में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को क्या देगी, रॉयल्टी देगी। तो यहाँ पर जो है धातु के नाम दिए गए हैं और उस धातु में कितना रॉयल्टी मिलता है, इससे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन फिर भी अगर कभी से मेंस आंसर राइटिंग में कुछ लिखने का आया इससे रिलेटेड तो वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं।
जैसे कि आयरन ओर का विक्रय मूल्य का 15% यानी कि जितने भी मूल्य का खनिज का उत्पादन हुआ है उसका 15% रॉयल्टी के रूप में देना होगा। कोयले के विक्रय मूल्य का 14%, आपका बॉक्साइट में अगर वो धातु है तो 0.6% और गैर धातु कर्मीय है तो 25%, डोलोमाइट में प्रति टन 90 रुपये, चूना पत्थर में प्रति टन 90 रुपये और आपका टीन में विक्रय मूल्य का 7.5% ये रॉयल्टी देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC, जैसे कि मैंने बताया था आपका सेंट्रल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका गठन हुआ था 7 जून 2001 को। CMDC की परियोजनाएं, एक साल का प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं संचालित है, 3 परियोजना 4 परियोजना 5 परियोजना 7 परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 5 परियोजनाएं संचालित है। कौन कौन सी? कोयला परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोरंडम परियोजना और कैसेटराइट परियोजना। कैसेटराइट जो कि टीन का अयस्क है, ठीक है। अब यहां पर आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत संचालित परियोजना नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, कोयला परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, ठीक है, एक देगा आपका चूना पत्थर परियोजना, ठीक है, या लाइम स्टोन परियोजना, और एक देगा कैसेटराइट परियोजना। अगर आप देखेंगे तो इस CMDC के अंतर्गत मात्र 5 परियोजनाएं संचालित है, लौह अयस्क परियोजना, कोयला परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोरंडम परियोजना और आपका कैसेटराइट परियोजना। ये 5 परियोजना संचालित है, ठीक है। कोयला परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत खनिपट्टी का मतलब क्या होता है, खनिज का भंडारण क्षेत्र, एक खनिपट्टी स्वीकृत है जो कि है आपका केरवा कोल लिमिटेड कोरबा में। प्रश्न पूछा जाएगा कि केरवा कोल भंडारित क्षेत्र किस जिले में है, तो कोरबा जिले में है केरवा। लौह अयस्क परियोजना के अंतर्गत 2 खनिपट्टी स्वीकृत है, आरी डोंगरी कांकेर, बैलाडीला, दंतेवाड़ा। बॉक्साइट के अंतर्गत 10, जिसमें सरगुजा के 6, कबीरधाम के 2, बलरामपुर का 1, जशपुर का 1 खनिपट्टी स्वीकृत है। कोरंडम के अंतर्गत 3, कुचनूर, बीजापुर में कुचनूर की पहाड़ी, धनगोल माइंस, यहाँ पर जो है आपके कोरंडम परियोजना के अंतर्गत 3 खनिपट्टी स्वीकृत है। कैसेटराइट 3 अयस्क, जिसमें 14 खनिपट्टी जो कि जगदलपुर बस्तर में स्वीकृत है, जिसके आगे यहाँ पर स्टार का निशान लगा हुआ है। ये सब स्टार के निशान, ये क्या है, ये LOC कार्यवाही विचाराधीन है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बस इसे सुन करके रख लीजिए, ठीक है। इसमें कितनी परियोजनाएं संचालित है वो इंपॉर्टेंट है, उतना डिटेल में नहीं जाएगा। ग्राम छाता पंडरिया, तहसील जय जयपुर, जिला जांजगीर चापा में स्थित खनिज डोलोमाइट धारित क्षेत्र CMDC के पक्ष में आरक्षित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छाता पंडरिया में किस खनिज का भंडारण है, तो किस खनिज का भंडारण है, डोलोमाइट खनिज का भंडारण है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, पहले प्रश्न पूछा जाता था कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडारण नहीं है, तो उसमें आंसर लिया जाता था कॉपर, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कॉपर यानी कि तांबे का भंडारण है, इसलिए छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। इसका गठन किया गया 25 मई 2018 को, जिसका मुख्यालय है दुर्ग जिले के भिलाई के सेक्टर 5 में। ये जो है ये कंपनी छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। हमारे छत्तीसगढ़ खनिज विकास और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, जॉइंट प्लांट है आपका छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। इसमें 76% हिस्सेदारी HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की है, जबकि 24% हिस्सेदारी जो है ये CMDC की है। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हीदर बोदल 2 क्षेत्र JV कंपनी के नाम पर आरक्षित किए गए हैं। देखिए ये जो हीदर और बोदल क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए हीदर तथा बोदल क्षेत्र और डुमार टोला, ये राजनांदगांव जिले में है। राजनांदगांव जिले के हीदर, बोदल और आपका डुमार टोला, ये जो है आपके क्या है, ये कॉपर भंडारित क्षेत्र है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रदेश में 3 जिले, राजनांदगांव जिला, सरगुजा जिला और बस्तर जिले में कॉपर के खदान होने की जानकारी दी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में कॉपर के होने के प्रमाण मिले हैं, राजनांदगांव, सरगुजा और आपका बस्तर, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका डायमंड परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है और नया है। डायमंड परियोजना, इसकी कंपनी का नाम है NCL। NCL यह भी एक संयुक्त उपक्रम है NMDC और CMDC का। ये राज्य सरकार के अधिग्रहित आपकी कंपनी है और ये केंद्र सरकार की अधिग्रहित कंपनी है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोनों का संयुक्त उपक्रम है NMDC CMDC लिमिटेड, जिसके जो कि एक डायमंड परियोजना चला रहा है। खनन प्रक्रिया बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक सरायपाली महासमुंद स्वीकृत है NCL नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है जो कि इस बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक महासमुंद में उत्खनन का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये था आपका खनिज। अच्छा, एक कोल इंडिया का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के बुक में नहीं मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि कोल इंडिया का रिपोर्ट है। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया का एक सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोयले के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन करने वाली कंपनी कौन सी है, SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर में। ठीक है, जो आपका ये जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL है, ये एक सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी है कोल इंडिया की, केंद्र सरकार की कंपनी है कोल इंडिया। इस कोल इंडिया की टोटल आपकी 7 सहायक कंपनियां हैं, जैसे कि देखिए 7 सहायक कंपनी जो कि अलग अलग क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करती है। सबसे पहले है ECL, ECL यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के सेक्टोरिया डिशरगढ़ में। दूसरा है आपका BCCL, BCCL का फुल फॉर्म है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है आपके झारखंड के धनबाद में। तीसरा है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, जिसका मुख्यालय है झारखंड के रांची में। चौथा है आपका WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर में। पांचवा है आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हमारा छत्तीसगढ़ का SECL, जिसका मुख्यालय है आपके बिलासपुर में। छठवा है आपका NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। और सातवा है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL, जिसका मुख्यालय है उड़ीसा के संबलपुर में। तो ये सभी की सभी सहायक कंपनी है किसकी, कोल इंडिया की। कोल इंडिया की सहायक कंपनी है जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में कोयले का उत्खनन करती है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो कोल इंडिया का प्रशासनिक प्रतिवेदन आया, वार्षिक प्रतिवेदन आया, उसमें सर्वाधिक कोयले का उत्खनन किया गया उड़ीसा राज्य के द्वारा, यानी कि उड़ीसा राज्य में जो इनकी सहायक कंपनी है MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। सेकेंड नंबर पर था आपका कोयला उत्पादन के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ का SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और थर्ड नंबर पर था आपका NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो यह है रैंकिंग कोयला उत्पादन के मामले में, हमारा छत्तीसगढ़ का SECL सेकंड पोजीशन पर था कोल इंडिया के एनुअल रिपोर्ट के आधार पर। अब यहां पर उसका डिटेलिंग दिया गया है, कोयले तथा कोयला उत्पादन क्षेत्रवार, कोकिंग कोयला, गैर कोकिंग कोयला, कुल, या इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहले पोजीशन पे कौन सा है और दूसरे पोजीशन पे कौन सा है। ये केवल समझने के लिए कि फर्स्ट रैंकिंग में कौन है, सेकंड रैंकिंग में कौन है, इसे देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका खनिज वाला टॉपिक होता है समाप्त। ये वाला जो था इसे मैंने आपको बता दिया था, जो अपडेशन आया था छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, ये पाई चार्ट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट में उड़ीसा, सेकंड में छत्तीसगढ़। उसके बाद मैंने आपको इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के आंकड़े अपडेट करा दिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, जैसे कि मैंने बताया, एक मैंने आपको आंकड़ा बताया था कौन सा, फर्स्ट नंबर पर ये वाला, कि 2021-22 में छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व के रूप में 12,305.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ। कब, 2021-22 में। लेकिन अब 2022-23 के जो आंकड़े आए हैं, 22-23 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व है आपका 12,941 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, खनिज रॉयल्टी राजस्व, ये करंट के डाटा है, लौह अयस्क से 3607 करोड़ रुपए की खनिज रॉयल्टी राजस्व प्राप्त हुआ है, कोयला से 3336, चूना पत्थर से 392 और बॉक्साइट से 32 करोड़ रुपए का खनिज रॉयल्टी राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिले से खनिज रॉयल्टी राजस्व प्राप्ति 2022-23,
यहां पर क्या बात हो रही है, खनिज रॉयल्टी राजस्व। तो सर्वाधिक खनिज रॉयल्टी राजस्व प्राप्त हुआ है आपके दंतेवाड़ा से, सेकेंड नंबर पर प्राप्त हुआ है आपके कोरबा से, थर्ड नंबर पर रायगढ़, फोर्थ नंबर पर बालोद, फिफ्थ नंबर पर बलौदाबाजार, सिक्स में कांकेर और सेवन पर है आपका सरगुजा। यहाँ पे खनिज रॉयल्टी राजस्व यानी कि मुख्य खनिज और गौण खनिज दोनों को मिलाकर के बात हो रहा है, तो कुल खनिज के खनिज रॉयल्टी राजस्व में अग्रणी जिला है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खनिज वाला टॉपिक होता है समाप्त। जो भी आंकड़े अपडेट करने के थे वो मैंने आपको बता दिए, इम्पॉर्टेंट है अच्छे से पढ़िएगा। इससे जो है देखिए, जो मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें पिछले 6 साल में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत भागीदारी, वो एक इम्पॉर्टेंट है, उससे प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो फ्रंट पेज में जो मैंने आपको मुख्य बिंदु बताया था ये वाला, ये मुख्य बिंदु इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी पॉइंट को याद रखिएगा, इस आंकड़े को याद रखिएगा, कितने मूल्य का है, कितना प्रतिशत वृद्धि है, कितना प्रतिशत भागीदारी है, ये आपके प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। बाकी इंडियन मिनरल्स बुक की रिपोर्ट, जो पाई डायग्राम हमने पढ़ा और खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ का जो स्थान पढ़ा, ये मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।